एक्सरसाइज पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत इजिली बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व अप करने वाले हैं अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी दुख तकलीफ है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई ट्राई टू कवर दैट अपने So, are we all ready for the session, everybody? And one more thing the people who are new on this channel, so have a class my class, who are the first time my class. If you then so let me introduce myself. Hi, champions! Good, good, good afternoon. This is Priya Agrawal, your math educator, welcoming each and everybody out there. And if you are new here and if you who are watching me for the very first time, do not forget to hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel because here ऑन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग मैथ्स एंड बायो काफी हैंग्रुएंसी क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं इन माई प्रीवियस लेक्चर जहां पर हमने बारे में डिस्कशन किया था आज उन्हीं क्राइटेरिया को यूज करके वी आर गोइंग टू कवर अप आर एक्सरसाइज सेवन Point one, make sure of one thing very clearly that you guys are having a pen and a notebook handy in like with yourself. मैं चाहती हूँ मैं यहां पर जो भी क्वेश्चंस करूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग भी मेरे साथ अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाए तो वी ऑल रेडी एवरीबॉडी क्या हम सभी लोग तैयार हैं कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं प्रियल मैम विल लव टू योर डाउट सो लेट्स डाइव द सेशन डायरेक्टली लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी बड़ी एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट बिहाइंड मी एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड द द्वेश्चन लेट्स ग्रैट द थिंग वॉट क्वेश्चन इज ऑलरेडी

ये जो लाइन सेगमेंट आपकी ए बी जा रही है दिस इज बाई सेक्टिंग एंगल ए दैट मीन सी ए बी विल बी इक्वल टू बी ए डी का क्या मतलब होता है दैट इट अ अ पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट तो यहां पर ये जो ए बी है दिस इज एक्टिंग लाइक अ बाईसेक्टर विच इज डिवाइडिंग एंगल ए इंटू टू इक्वल पार्ट एवरी बारी ठीक है ये चीज हमने पढ़ लिया अब क्या कह रहा है क्वेश्चन शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रुवेंट अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो ट्राइंगल आपके पास दो गिवन है दैट इज ट्राइंगल एबीसी कौन सा भाई? बी एबीसी ये वाला ट्राइंगल

को डिटरमाइन कर सकते हैं राइट तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट अप व्हाटएवर थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन सबसे पहले मैं वो लिखना चाहेंगे तो लेट्स डू द सॉल्यूशन अप हियर क्या-क्या गिवन है आपके पास ac लेट जस्ट अ मिनट लेट मी राइट व्हाटएवर थिंग्स आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन क्या-क्या चीजें हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो आपके पास गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी दिस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन और क्या चीज गिवन योर एंगल ए तो मतलब क्या हो जाएगा एंगल ए को बात सी ए बी विल बी इक्वल टू एवरीबडी बी ए डी बिकॉज इट इज बाइसेंग द एंगल तो वही मैं लिख दे रही हूं एंगल सी ए बी इज ऑलरेडी गिवन सी ए बी बोलू या फिर मैं ए बी सी दैट इज इक्वल टू ट्राइ एंगल दैट विल बी इक्वल टू योर एंगल दैट इज बी ए डी दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन और आपको प्रूव क्या करना है लेटमी राइट टू प्रूव एवरी बड़ी दैट इज ट्राई एंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉनग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी दीज आर द थिंग्स विच यू गाइस हैव टू प्रूव अप हियर ऑलराइट इतना तो सॉर्टेड है कोई इसमें प्रॉब्लम कोई दुख तकलीफ नहीं है चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और वो तीन चीजें ढूंढ के लिख देते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी हमें ये दोनों चीजें दिख रही है वी कैन इजिली सी क्या चीजें तीन चीजें गिवन है हमारे पास एक तो हमारे पास गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी एवरीबडी ए सी इज इक्वल टू ए डी ए सी इज इक्वल टू आपका लेटमी राइट इट ए सी इज इक्वल टू आपका ए डी एवरीबडी दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन कोई दुख तकलीफ नहीं है हमें पता है ए बी जो है बाई सेक्टर है तो हम ये ये जो दो एंगल्स पढ़ रहे हैं आपके दिस एंगल एंड दिस एंगल दिस बोथ एंगल्स आर फॉलिंग अंडर दीज टू ट्राई एंगल्स ओनली ये इन्हीं दो ट्राई एंगल्स में फॉल कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इट इज ऑलरेडी गिवन बिकॉज इट इज अटर एवरीबॉडी, और आपको दिख रहा है दिस ए बी लाइन इज कॉमन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल, तो हमने क्या लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज़ इट इज कॉमन ये आपका कॉमन है तो यहाँ पर क्या है आपकी दो साइड्स इंक्लूड है और एक आपका एंगल इंक्लूडेड है क्या समझे दो साइड्स इंक्लूडेड है और एक आपका एंगल इंक्लूडेड है तो इससे हम क्या कह सकते हैं न्यू स्लाइड मी चेक ओके आई हैव टू डू इट हियर ओनली लेट मी चेंज द कलर तो हम यहां पर आराम से लिख सकते हैं बाय एस एस क्राइटेरिया रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रू टू ट्राइंगल थोड़ा सा नीचे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रूए टू ट्राइंगल एवरीबॉडी एवरीबडी वॉट दैट इज a b d this you have already proved hence proved चलो बताओ समझ में आई कहानी या नहीं कोई दुख तकलीफ मैम ने कैसे सॉल्व किया मैम साइड हो जाती है एक बार पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए हाउ वी हैव सॉल्व दिस किस तरीके से हमने एक एक स्टेप करके सॉल्व किया सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में से तीन चीजें फाइंड आउट करी आई टू एंगल्स और टू साइड्स प्लस एंगल प्लस साइड ऐसे करके हमने तीन चीजें फाइंड आउट करी दिस एंगल्स वर गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी क्योंकि ए बी वॉज अ बाई और बाइसेक्टर कहता है कि अगर कोई भी लाइन हो या एंगल हो तो बाई एक्चुअली यूज To divide that into two equal parts. तो वही हुआ यहाँ पर is equal to क्ली, हो गया? कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं में कोई डाउट नहीं है है. इतने में हमें प्रूव करना था. Should be congruent to हमने यहां पर प्रूव कर दिया इसको आई होप सभी को समझ में आ गया है कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं पक्का शॉर्ट चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये भी बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे इजी है बट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो वही आज का मेन टॉपिक वही मेन आज का मुद्दा है कि कंफ्यूजन दूर करना है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती है वेरी इजी तीन चीज़ें तो फाइंड आउट करनी है बट इनमें भी छोटा छोटा कंफ्यूजन हो जाता है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन दी एंड हो जाता है जो कि हमें ऑफकोर्स नहीं करना है तो चलो बैक टू द क्वेश्चन एवरीबडी नाउ क्वेश्चन इज सेम ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी ठीक है भाई

ए बी डी ढूंढ लेते हैं हम हमारा है कहा ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी दिस इज योर ट्राइंगल ए बी डी ठीक है दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं दैट इज ट्राइंगल बी ए सी बी ए सी कहा

फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल बी सी अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो मुझे यहां पर दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात की जाए तो मुझे यहां पर दिख रहा है दैट इज एडी इज इक्वल टू बी सी दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन नाउस गो टू द एंग गिवन है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एवरी बड़ी ये भी आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं आगे बढ़ते हैं अब आपको दिख रहा है ए बी कॉमन आर्म यह आपकी कॉमन आर्म है तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी यहाँ पर यूज किया ये जानना है मुझे बताओ जल्दी से यहां पर आपने कितनी साइड और कितने एंगल्स का यूज किया दो साइड और एक एंगल का यूज किया तो बस वही है यहाँ पर दो साइड्स हैं आपकी और एक एंगल है तो वाय द हेल्प ऑफ SAS criterion rule, we can say that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Let's write this a statement up here, everybody. So, by using SAS congruency rule, बाई यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट ट्राई एंगल कौन कौन से थे भाई हमारे ए बी डी इज कॉन्ग्रुए टू ट्राई एंगल बी ए सी ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया हस प्रूव कर दिया क्या कर दिया हमने यहाँ पर ये हमने यहाँ प्रूव्ड कर दिया एवरीबॉडी समझ में आई कहानी क्या किया मैम ने इस दिस क्वेश्चन क्लियर अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है अभी आपके सेकंड और थर्ड पार्ट भी बाकी है अभी क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट भी बाकी है बट हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है दोनों ट्राइंगल्स आपके आराम से बहुत ईजिली कॉन्ग्रुएट प्रूव हो गए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की लेट मी चेंज द कलर अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो हमें पता है हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी प्रूव कर दिया है हमें पता है दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रूए टू ट्राइंगल बी ए सी राइट अब आपको बी डी इज इक्वल टू ए सी करना है बी डी है भाई बी डी इज इक्वल टू ए सी ये जो अंदर के ये जो डायगनल आपके जा रहे हैं आपको इसको प्रूव करना है दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी अब ये दोनों जो साइड है ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुव ट्राइंगल के तो वो जो पिछली क्लास में एक नोट पढ़ाया था आपको CPCT टी का बस वही सेम खेल है ये बिल्कुल वही सेम चीज है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो बाय CPCT सी टी दैट इज कॉग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कांग्रुएंट ट्राइंगल के वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी एवरी बड़ी हैंड्स प्रूव ये भी आपने प्रूव कर दिया क्योंकि ये क्या है Cong अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने भी कॉरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं आइदर द एंगल्स और द साइड्स दे आर ऑलवेज इक्वल इन नेचर राइट तो हम ये ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं और ये जो साइड्स है बी बी डी और ए सी ये दोनों इसी ट्राइ की साइड्स है राइट right, एवरीबॉडी तो हम इसको क्या बोलेंगे दीज आर दी इक्वल एंड दिस इज वॉट वी प्रूव दिस नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं वॉट द थर्ड पार्ट इज सेइंग Third part is saying angle ABD should be equal to angle BAC. Again, we can write it by CPCT rule. Angle ABD is equal to angle BAC, hence proved. ये भी आपने प्रूव्ड कर दिया दिस इज ऑल्सो यू गाइज हैव प्रूव्ड इट राइट और नॉट कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है दिमाग में आई एम देयर टू क्लियर इट अप जल्दी जल्दी से बता दो प्रियोल मैम विल लव टू क्लियर अप ऑल योर डाउट्स, ऑल योर कन्फ्यूजन एवरीबॉडी समझ में आई कहानी हमने किस तरीके से सॉल्व किया कोई दुख तकलीफ है कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स इज ऑल ओपन एंड इफ यू गाइज आर नॉट वॉचिंग दिस एज अ लाइव वीडियो प्रीमियर देख रहे हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो हमारी टीम बहुत एक्टिव रहती है विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल ठीक है चलो तो फिर क्या कहते हो आगे बढ़ जाए शेल वी मूव टू इज द सेम नो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज क्लियर आई होप ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट लेट मी गेट लिटिल साइड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी हैव प्रूव दी बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट और जैसे ही हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएट प्रूव किया अभी ये दो पार्ट्स में उसके पार्ट्स पूछे थे तो वो हमने सी पी वी जस्ट एक्टेड सुपर स्मार्टली और हमें पता था सी पी का रूल तो हमने वो दोनों में सी पी का रूल लगा के उनको इक्वल प्रूव कर दिया समझ गए कहानी कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का श्योर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो आई एम ऑलवेज देयर टू क्लियर इट अप आई होप इट इज क्लियर सॉर्टेड बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है एडी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट क्या कह रहा है ए डी एंड बी सी आर टू इक्वल फोर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाई सेक्ट ए बी आपको ये शो करना है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेकट कर रही है मतलब सी डी कहा है जरा देखते हैं सी डी जो है वो ए बी को बाइसेकट कर रही है मतलब हमें ओ ए इज इक्वल टू बी ओ कर देना है अगर हम ये दोनों इक्वल कर देते हैं दैट कि वो उसको कर रही है, सिंपल सीधी सी कहानी तो चलो पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएट प्रूफ करते हैं आई होप अब मजा आ रहा होगा अब ईजी लग रहा होगा आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो इन ट्राइंगल लेट्स डू द सोल्यूशन ऑफ योर वील प्रूव बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सो इन ट्राइंगल क्या नाम है इसके सी बी ओ ये हमारे दो कौन -कौन चीजें प्रेजेंट है अगर तीन चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम उसको ईजिली कॉन्ग्रुएन प्रूव कर सकते हैं और अगर तीन चीजें नहीं मिलती हैं तो भाई कॉन्ग्रुएन प्रूव करने का थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है तो इन ट्राइंगल सीबीओ आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं आपके पास angle C B O is equal to angle D A O is equal to angle D A O Y each ninety. ईच 90 डिग्री राइट एंगल है ये दोनों एंगल आपके पास एंगल सी बी ओ एंड एंगल डी ए ओ बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री तो ये दोनों आपस में एब्सोल्युटली इक्वल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सॉर्टेड है समझ गए हो कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का चलो अब दूसरी चीज अभी हमारे पास ये चीज ऑलरेडी गिवन है दैट बी सी इज इक्वल टू वॉट डी ए बी सी इज इक्वल टू डी ए ये भी हमारे पास गिवन है लिख देते हैं गिवन और मुझे दिख रहा है डेट एंगल ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एवरीबॉडी हमें दिख रहा है ये जो एंगल ओ है दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो डी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ बी और एल्स एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ तो अभी आप लोग को यहां पर दिख रहा है दो एंगल्स और एक साइड आपको दिख रही है मतलब क्या दिख रहा है दो एंगल्स और एक साइड दिख रही है तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पर हमने यूज किया एस ए एस यूज किया है एस एस में तो दो साइड्स और एक एंगल होता है बट यहाँ पर तो हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड है तो हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया जिसको आप ए एस ए भी बोल सकते हो एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हो ए एस भी बोल सकते हो एज पर योर चॉइस आपको जो पसंद आ रहा है नाम आप वो दे सकते हो तो लेट मी राइट अपर बायिंग by using a a s angle angle side congruency rule by using a a s congruency rule we can say that triangle c b o is congruent to triangle what d ए ओ मैम लेकिन ये आपने प्रूव क्यों किया ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था जब ये क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया था तो आपने ये क्यों प्रूफ किया थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन ने बोला था शो दैट सी डी बाई सेक्ट ए बी सी डी ये जो बड़ी वाली लाइन है ये अपनी ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो जब मैंने ये दोनों ट्राइंगल प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएट तो मैं यहाँ पर आराम से लिख सकती हूँ दैट बी ओ इज इक्वल टू ओ ए या फिर ए ओ ये मैं आराम से लिख सकती हूँ क्यों सी पी सी टी की हेल्प से और जब ये दोनों इक्वल है तो हेंस प्रूवड दैट सी डी एक्टिंग लाइक अ अटर टू दी ए बी एवरीबडी समझ में आई कहानी चलो इसी चीज को मैं पीछे लिख देती हूँ स्पेस यस सो हमने प्रूव कर दिया दैट लेट मी टेक सम लाइटर वर्जन ओके हमने प्रूव कर दिया दैट ट्राइंगल सी बी ओ इज कॉन्ग्रूए टू ट्राइंगल डी ए ओ डी ए ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट बी ओ विल बी इक्वल टू एवरीबॉडी वाई सी पी सी टी रूल की हेल्प से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल की हेल्प से मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि बी ओ जो होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा कोई दुख तकलीफ नहीं है इतने पोर्शन में कोई डाउट नहीं है अब आगे बढ़ जाते हैं अब मुझे यहाँ पर पता है दस डी बाइसेक्स ए बी हे प्रूफ ये आपने प्रूफ कर दिया समझ में आई कहानी एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चन को कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई डाउट कहीं कोई प्रॉब्लम है जस्ट स्टॉप एंड आस्ट आई लव टू क्लियर इट आप एवरीबडी आई होप इतना क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का वाला श्योर वाला

और ये एम ये दोनों पैरल लाइंस हैं और साथ ही साथ ये जो पी और क्यू बनाया है ये एल और ये एम और ये जो पी और क्यू है ये भी आपकी पैरल लाइन्स है विच विल बी गोइंग टू एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल ठीक है नाउ इट इज आस्किंग शो दैट ट्राएंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए अब आपको शो करना है द्राइंगल ए बी सी कहा है भाई ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए आपके ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल भाई सी डी ए के सी डी ए के मतलब ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएट प्रूव करने मतलब आपको अगेन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आइदर टू साइड एक साइड एक एंगल या फिर दो साइड एक एंगल राइट आपको ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या मुझे यहाँ पर और कुछ इक्वल मिल रहा है कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है बस क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो आपकी they are parallel. तो उन सारे टॉपिक पर वापस चले जाओ क्योंकि वो पैरल लाइंस में आ रहे थे चलो अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें ऑलरेडी गिवन है मुझे यहां पर बस एक चीज दिख रही है कुछ इस तरीके की फिगर है आपकी राइट this angle will be equal to this angle this angle will be equal to this angle alternate interior angle दो एंगल मिल गए मेरे को और दिस साइड इज कॉमन एवरीवन ये साइड आपकी कॉमन है हेंस प्रूव्ड मिल गई तीनों चीजें समझ में आया चलो डायग्राम दोबारा बना के बताती हूं आई गेस तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा समझने की कोशिश करिएगा इजी है बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एंड यू गाइस आर ऑल सेट चलो लेट मी ड्रा अ फिगर ये एल ये एम ये पी और ये क्यू नहीं मैंने उल्टा लिख दिया ये पी क्यू है और ये एल एम है ये आपके पी क्यू अरे ये आपकी पी क्यू है और ये आपकी एल एम साइड है ठीक है यहाँ पर एक ये आपका ट्राइंगल आ रहा है दिस ट्राइंगल यू हैव टू प्रूव दिस ट्राइ शुड बी कॉन्ग्रूए टू दिस ट्राइ आपको ये चीज प्रूव करनी है फिगर समझ में आ गई है ना फिगर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी सॉर्टेड है अब क्या करना है ध्यान से समझना है सभी लोगों को बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो ये वाला एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है सभी को क्या हमने ड्रॉ किया दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एवरीबॉडी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चलो इसी के साथ अगर मैं बोलूं आपको दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल So, again, angles, so, तो बस आपको यही करना है। ये दो एंगल्स हो गए और ये जो लाइन आपको दिख रही है ए सी लाइन इज कॉमन लाइन मिल गई तीनों चीजें हो गया क्वेश्चन क्या क्या ट्राइंगल्स ए बी सी एन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल क्या क्या ट्राइंगल थे a, B, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं एवरीबॉडी राइट right? अब हम इसको हमें क्या करना है हमें तीन चीजें अलग अलग फाइंड आउट करनी है लेट्स कैलकुलेट द थ्री थिंग्स तो हमारे पास है, है एंगल बी सी एंगल बी सी ए इक्वल टू कौन सा एंगल बी सी ए ये रेड वाला रेड वाले की इक्वल होगा दैट विल बी डी ए सी डी ए सी रीजन अभी मैं लिखती हूँ दूसरे कलर से सिमिलरली एंगल ये वाला कौन सा हो जाएगा दिस विल ब्लू एंड ब्लू दैट इज डी सी ए डी सी ए विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए विल बी बी ए सी बी ए सी रीजन क्या है एवरीबॉडी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आप सभी लोगों का रीजन हो गया अरे ये आप सभी लोगों का रीजन हो गया समझ में आया बात अभी हमने दो चीजें ले ली अब थर्ड चीज क्या लेंगे थर्ड चीज हमारे पास एक कॉमन है दैट इज ए सी इज इक्वल टू ए सी तो हमने यहां लिख दिया एसी इज इक्वल टू ए सी दिस इज कॉमन आर्म एवरी वन ये आपकी कॉमन आर्म है सो बाय दिस वी कैन स्टेट दैट ट्राइंग हमारे पास दो एंगल और एक साइड है जरा सोचो ध्यान से हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लग रहा है हमारे पास दो एंगल और एक साइड है एवरीबॉडी तो so, हम यहाँ पर कह सकते हैं बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल एवरीबडी हमने ये प्रूफ कर दिया वी जस्ट प्रूवड इट हैंस प्रूफ ये हमने प्रूव कर दिया समझ में आई कहानी कहीं कोई दुख तकलीफ कहीं कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई वुड लव टू क्लियर इट आप बस यही शो करना था आपको कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए हमने क्या किया ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किया और हमारे पास ए जो थी वो हमारी कॉमन आर्म थी समझ गए सब लोग ऑल राइट एवरी बड़ी चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास उसकी आप चिंता नहीं करोगे ठीक है एक बार खुद से ट्राई करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आएगा तो आई गोन एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास एवरीबॉडी बड़ी राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू जॉइनिंग द क्लास इफ यू आर न्यू टू द चैनल इफ यू आर मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है यू वोंट हैव टू पे है सिंगल पेनी जल्दी से जाइए डू जॉइन द टेलीग्राम एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लिंक यू विल भी finding in the description box that's all for today everybody thank you so very much for coming and to joining the session for watching the video till the very end I hope this video will gonna help you up if so do not forget to like share and subscribe me Priya Lagrival, your maths educator, signing off meet you all in next class till then please take care of yourself stay safe stay home keep eating keep dancing and do not forget to study lots of love see ya bye